everyone, welcome back to my channel. This is me, Shiny. Wedding season is already here and guess what? I am going to attend a wedding. तो मुझे pack करना था, so I thought let me share with you all कि मैं कौन-कौन सी makeup essentials carry करूँगी अपने साथ, क्योंकि मैं ज़्यादा चीज़ें तो carry नहीं कर सकती. That's not practically possible. So मुझे कुछ essentials ही carry करना पड़ेगा and this is my super cute pouch. तो मैं इस पाउच में सारे अपने मेकअप एसेंशियल्स को कैरी करने वाली हूँ. सो दिस पाउच कंटेन्स ऑल द मेकअप दैट यू नीड टू क्रिएट वर्सेटाइल लुक्स ड्यूरिंग दिस वेडिंग सीजन. सो ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी एंड ऑल द प्रोडक्ट्स आर सुपर अफोर्डेबल, जस्ट अंडर ₹500. मैंने अमेजन से सारे प्रोडक्ट्स को परचेज किया है. अगर आप भी इन प्रोडक्ट्स को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने इनके परचेजिंग लिंक्स प्रोवाइड किया है. मेक श्योर यू चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड ऑल्सो देयर इज अ गुड न्यूज, अमेजन द ब्यूटी सेल इज लाइव from 23rd November to 27th of November. So grab the most out of it. सारे details के लिए description box को जरूर check करें. Now let's move on with the video. First of all, ये pouch जितना छोटा दिखता है, ये उतना है नहीं, क्योंकि it is a lot spacious और इसके अंदर काफी सारे makeup products हैं. So let me start off with the first thing, which is primer. Obviously, ये मेरा स्किन केयर पाउच नहीं है, सिर्फ मेकअप पाउच है. दिस इज NY Babe प्रो प्राइमर. ये येल्लो कलर करेक्टिंग प्राइमर है एंड इसमें दो और वेरियंट्स आते हैं, विच इज ऑरेंज एंड ग्रीन वेरियंट. तो मैं वेडिंग में जा रही हूँ तो मुझे वो येल्लो वाला जो कलर करेक्शन है वो चाहिए. सो आई हैव ऑप्टेड फॉर दिस वन. अदरवाइज अगर आपके बहुत ही ज़्यादा डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है तो आप ग्रीन कलर करेक्टर भी ट्राई कर सकते हैं. नेवरदिलेस आई यूज दिस एज अ प्राइमर मोस्टली. नेक्स्ट, फाउंडेशन इज सुपर इंपॉर्टेंट. सो मेरे पास ये वाला है फिटमी का फाउंडेशन. ये मैंने नया परचेज किया है फॉर दिस वेडिंग सीजन. ये 120 शेड में है एंड ये उनका नया पैकेजिंग है. आई लव दिस फाउंडेशन. मैं पता नहीं कितने सालों से फिटमी के फाउंडेशन को इस्तेमाल कर रही हूँ. कई सारे शेड्स भी मेरे चेंज हुए हैं क्योंकि सीजन टू सीजन साल भर हमारे स्किन टोन भी चेंज होते हैं. तो अभी जो मेरा करंट स्किन टोन है वो इसके साथ बिल्कुल मैचिंग है एंड फाउंडेशन आपको लाइटर टोन या डार्कर टोन में नहीं लेना है, आपको अपने शेड के मैचिंग ही लेना है एंड सो आई ऑप्टेड फॉर दिस वन. ऑलराइट, मैं ना एक स्ट्रोब क्रेम शेयर करना भूल गई थी. ये लोटस का स्ट्रोब क्रेम है. दिस इज ऑल्सो माई एब्सोल्यूट फेवरेट क्योंकि इसके अंदर वो चंकी ग्लिटर्स नहीं है. ये थोड़ा सा सटल सा ग्लो प्रोवाइड करता है विच इज परफेक्ट फॉर दिस वेडिंग सीजन. कभी कभार हम लोग अगर डे टाइम किसी फंक्शन में जा रहे हैं, जैसे हल्दी फंक्शन, डे टाइम में ज्यादा हम लोग मेकअप नहीं कर सकते, सो आवर स्किन शुड लुक ग्लोइंग. उसके लिए मैंने ये वाला लिया है. ये काफी अच्छा है. अपने हाई पॉइंट्स पर आप इसे अप्लाई करें, होल फेस पर बिल्कुल भी ना अप्लाई करें, जस्ट अपने हाई पॉइंट्स पर एंड इट विल प्रोवाइड यू अ वेरी नाइस सटल ग्लो. बारी है कंसीलर की. सो आई लव दिस स्विस ब्यूटी कंसीलर. दिस इज इन द शेड 02 सैंड सेबल एंड ये काफी अच्छा कवरेज आपको प्रोवाइड करता है, बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं करता. जो मेबलिन फिटमी कंसीलर थोड़ा सा ड्राइंग है, ये उतना ज्यादा ड्राइंग नहीं है. कवरेज भी इसका अच्छा है एंड शेड बिल्कुल मेरे परफेक्ट मैच है. मुझे एक शेड थोड़ा सा लाइटर चाहिए था अंडर आइज को थोड़ा सा ब्राइटन दिखाने के लिए एंड दिस इज अ परफेक्ट शेड. रैंडमली जो मेरे प्रोडक्ट्स मेरे हाथ पर आ रहे हैं मैं वही शो कर रही हूँ. मेरे पास कुछ बिंदी है विच इज़ ऑल्सो एन एसेंशियल ड्यूरिंग दिस वेडिंग सीजन. सो आई थॉट मैं बिंदी भी शो कर देती हूँ. सो ये है वो बिंदी. इस तरीके के काफ़ी सारे डिजाइन के, अलग अलग डिजाइन के बिंदी आपको अमेजन पर मिल जाएगी. नेक्स्ट एक कॉन्टूर पैलेट है मेरे पास जो मैं एज एन आई शेडो भी इस्तेमाल करने वाली हूँ. ये मार्स का पैलेट है. यहाँ पर एक ब्लश है, एक ब्रॉन्जर शेड है और एक हाइलाइटिंग शेड है. मैं जनरली ये ब्लश शेड और ये ब्रॉन्जर शेड इस्तेमाल करती हूँ एज एन आई शैडो और कॉन्टूर करने के लिए भी मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ. आई लव द पिगमेंटेशन एंड एवरीथिंग ऑफ दिस पैलेट. सो आई थिंक दिस इज अ मस्ट हैव ड्यूरिंग दिस वेडिंग सीजन. नेक्स्ट, स्विस ब्यूटी का अल्टीमेट शैडो पैलेट. ये वर्सेटाइल पैलेट है, छोटू सा है, मिनी एंड सिर्फ जो शेड्स आपको चाहिए टू क्रिएट वर्सेटाइल आई लुक्स वही शेड इसके अंदर है. एंड गेस व्हाट, ये इसका जो मेरा शेड है वो है 05. तो इसके अंदर ब्लैक, ब्राउन, बीज, तो ऑल काइंड ऑफ न्यूड शेड्स आर ओवर हियर. और इसके अंदर दो या तीन चार शिमर शेड्स भी है जो कि थोड़ा सा गोल्डन टच में है, विच इज परफेक्ट फॉर वेडिंग फंक्शंस. कॉम्पैक्ट पाउडर्स आर एसेंशियल बट आई थिंक लूज पाउडर्स
चेंज द गेम। सो मैंने लिया है ये इनसाइड कॉस्मेटिक्स का बनाना लूज पाउडर। इसका कवरेज काफी अच्छा है। अभी विंटर सीजन में बेकिंग की ज्यादा जरूरत नहीं है, बट हल्का से इसे पफ कर दो अपने फेस पर और मेकअप बिल्कुल मैट लगती है और मेकअप काफी फ्लॉलेस एंड लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाती है, विच इज वाई आई एम कैरिंग दिस वन। हाईलाइटर के लिए आई हैव ऑप्टेड फॉर दिस इनसाइड कॉस्मेटिक्स हाईलाइटर इन द शेड 06 कॉस्मिक पावर। ये मेरा फेवरेट हाईलाइटर है। थोड़ा सा क्रीमी है, इजी टू अप्लाई, इजी टू ब्लेंड। ये एकदम शादी वाला ग्लो है, चंकी ग्लिटर तो इसमें नहीं है बिल्कुल भी, बट हाँ थोड़े थोड़े माइल्ड ग्लिटर पार्टिकल्स है विच विल बी विजिबल ड्यूरिंग द डे टाइम, बट नाइट टाइम में ये एकदम आपके फेस के साथ मेल्ट हो जाता है। इसके ऊपर अगर आप सेटिंग स्प्रे कर देते हो तो और भी ज्यादा अच्छे से ये स्किन के साथ ना मेल्ट हो जाता है। सो आई पर्सनली लव दिस वन। कभी कभार तो मैं इसे एज एन आई शेडो भी इस्तेमाल कर लेती हूँ। सो दिस इज अ हैक जो आप वेडिंग सीजन या फिर इस तरीके से ट्रैवलिंग के वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने हाईलाइटर को एज एन आई शेडो इस्तेमाल करना, अपने आई शेडो को एज अ फेस कॉन्टोर, एज ब्लश, एज हाईलाइटर इस्तेमाल करना। इससे क्या है कि आपको ज्यादा चीजें कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो फॉर काजल एंड लाइनर मैंने जो स्लिमेस्ट, मेरे पास जो स्लिमेस्ट काजल और लाइनर थे वही लिया है। ये प्लम का आई स्वेयर बाय लाइनर है, वेरी गुड लाइनर, और इसका पिगमेंटेशन जेट ब्लैक है। उसके साथ मैंने ये मेबलिन कोलोसल काजल लिया है, इसका भी पिगमेंटेशन एकदम जेट ब्लैक है। सो दीज टू आई एम कैरिंग। फॉर मस्कारा आप मेबलिन का मस्कारा भी ट्राई कर सकते हैं, बट माई पर्सनल फेवरेट इज दिस ब्लू हेवन एक्सट्रीम लेंथ मस्कारा। ये इतना अफोर्डेबल है, 100 rupees में आपको मिल जाएगी, बट इसका जो इफेक्ट है दैट इज सुपर। ये आपके लैशेस को लिफ्ट भी प्रोवाइड करता है, वॉल्यूम भी ऐड करता है, लेंथनिंग एक मस्कारा है। सो आई विल हाईली सजेस्ट दिस अगर आप फॉल्सीज ऑप्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे मेरे आई लैशेस नेचुरली ही थोड़े से लॉन्ग है तो मुझे फॉल्सीज की जरूरत नहीं पड़ती, एंड आई एम नॉट दैट मच कम्फर्टेबल वेयरिंग अ फॉल्सी। तो मैं इसी तरीके के मस्कारा इस्तेमाल करती हूँ। एंड मस्कारा के साथ आपको एक चीज़ की ज़रूरत है, जो कभी कभार मुझे अगर टाइम मिलता है तो मैं उससे अपने आई लैशेस को कर्ल कर लेती हूँ। ये वेगा का आई लैश कर्लर है जो मैंने अमेजन से परचेज किया है। तो आप इससे अपने आई लैशेस को कर्ल कर लीजिए एंड उसके बाद आप मस्कारा अप्लाई करिए, तो एकदम फॉल्सीज जैसा इफेक्ट मिलेगा विदाउट एनी फॉल्स आई लैशेस। लास्टली मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होने के लिए एक सेटिंग स्प्रे होना जरूरी है। तो ये मेकअप फिक्सर मैं कैरी कर रही हूँ, ये इनसाइड कॉस्मेटिक्स का मेकअप फिक्सर है। ऑल्दो मेरे पास शुगर का मेकअप फिक्सर है, फिर वेट एंड वाइल्ड का भी है, बट उनके पैकेजिंग मुझे अच्छे नहीं लगते बिकॉज दे लीक। मैंने पिछली बार वेट एंड वाइल्ड का लिया था तो उस टाइम वो लीक हो गया था एंड बहुत ही ज़्यादा मेस क्रिएट हो गया। सो दिस टाइम आई एम जस्ट ऑप्टिंग फॉर दिस इनसाइड कॉस्मेटिक्स का। ऑल द मैंने, आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर पूरा सेलो टेप वगैरह टेप कर लिया है इसे ताकि लीकेज ना हो। उस टाइम भी मैंने टेप किया था बट फिर भी उन मेकअप फिक्सर्स की जो पैकेजिंग है वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। तो आई थॉट ये भी काफ़ी अच्छा है, ये आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। दिस इज़ नॉट समर सीजन, दिस इज़ विंटर सीजन, तो विंटर सीजन में ज़्यादा स्वेटिंग की प्रॉब्लम तो होगी नहीं। दैट्स वाई आई थॉट दिस विल बी परफेक्ट। All right guys, so this completes what's in my travel makeup pouch video. I hope मेरे travel makeup kit में क्या क्या चीज़ें मैं कैरी करने वाली हूँ for this wedding season. ये video आप सबके लिए helpful थी। अगर video पसंद आए video को like करें, share करें and product links के लिए description box को जरूर check करें। आज का video यहाँ तक ही था। Thanks for watching. Bye.